हर हर महादेव भक्तों, जय श्री राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, जो कि गंगा दशहरा से रिलेटेड है। जी हाँ, हम सभी गंगा दशहरा का पर्व हर साल सेलिब्रेट करते हैं। इस वर्ष 20 जून 2021 20 जून 2021 के दिन हमें सेलिब्रेट करना है, पर जो पर्व है ना गंगा दशहरा का, वो 10 दिन पहले से शुरू हो जाता है। तो आज के दिन से ये पर्व स्टार्ट हो जा रहा है। आपको करना क्या है, आप लोगों को ना गंगा दशहरा का पर्व का मीनिंग क्या होता है। अगर आप गंगा किनारे रहते हैं, गंगा मैया के किनारे रहते हैं, तो आपको गंगा जी में जाके स्नान करना चाहिए प्रति दिवस, हर रोज। अगर आप नहीं रहते हैं, आप दूर रहते हैं कहीं पर, तो आपको क्या करना है ना, आपको गंगा जल खरीद कर रख लेना है अपने घर में, और रोज़ आप बकेट के पानी में क्या करेंगे, पहले गंगा जल डालेंगे, उसके ऊपर से आप बकेट में पानी ले लेंगे, तो वो गंगा जल बन जाएगा। और उसके बाद आपको फिर स्नान करना है। बट याद यहाँ रखना है आपको ये कि कभी भी गंगा जी में या फिर आप घर में भी स्नान करें ना, तो हमें निर्वस्त्र बिना कपड़ों के स्नान नहीं करना चाहिए, वो अपराध माना जाता है। इस पर बहुत अच्छी सी कथा है। हमारे जो कुबेर भगवान जी हैं ना, कुबेर, उनके जो पुत्र थे, उनके पुत्रों की बहुत अच्छी कथा है कि वो जब एक बार बिना वस्त्र के स्नान कर रहे थे, तब क्या हुआ था, वो स्टोरी मैं आपको फिर कभी सुना दूंगी वो कथा। आज हम अपने इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो आप लोग को घर पे कोई ना कोई कपड़े जरूर पहन के स्नान करना चाहिए, और स्नान करते समय ना आप हर हर गंगे गंगा मैया को याद करके फिर स्नान करेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर आप किसी तीर्थ के किनारे रहते हैं या गंगा मैया के किनारे कहीं आप रहते हैं, तो आपको जाके वहाँ गंगा मैया की पूजा भी करनी चाहिए विधि विधान से। अगर आपको विधि विधान जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगी क्या विधि विधान है पूरी तरह से। अगर आपके पास में गंगा जल नहीं है घर पे, तो आप क्या करेंगे, मैं हूँ ना, मेरे पास हर प्रॉब्लम की सोल्यूशन होती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है ना, आपके घर में अगर आंवले का फल है या तुलसी दल है, जी हाँ, तुलसी दल और आंवले का फल डालकर अगर पानी में नहाते हैं, स्नान करते हैं, तो वो जल जो है गंगा जल के स्वरूप ही आपको फलदायी हो जाता है, आपको सेम पुण्य की प्राप्ति होती है। में से ना बहुत सारे डिवोटीज कन्फ्यूज हो जाते हैं कि गंगा जयंती और गंगा दशहरा दोनों एक ही चीज़ है, एक ही फेस्टिवल है। जी नहीं, गंगा जयंती डिफरेंट है और गंगा दशहरा डिफरेंट है। इसके पीछे मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। गंगा जयंती हम कब सेलिब्रेट करते हैं, देखिए, जब गंगा मैया ना भागीरथी जी के प्रार्थना पे धरती पे आ रही थी, तो एक ऋषि हैं, उनका नाम था जनहू, उनका आश्रम था। तो गंगा मैया जो वहाँ से आने लगी ना, तो उनको बड़ा क्रोध आ गया। उन्होंने क्या किया, गंगा मैया को ना पूरा का पूरा पी लिया, तो उनके पेट में चली गई। तो बहुत उनको प्रार्थना की गई, तब उन्होंने कान से अपने गंगा मैया को अगेन रिलीज किया, निकलने दिया। तब से माता गंगा का एक नाम पड़ा जाह्नवी, उनका वो पुनः अवतरण है। तो उस दिन हम गंगा जयंती सेलिब्रेट करते हैं। अब फ्रेंड्स, गंगा दशहरा हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, मैं उसकी कथा भी आपको बता देती हूँ। क्यों, क्योंकि हमें ना, हमें हमारे धर्म का कुछ पता नहीं है, हमें हमारी पौराणिक कथाएँ नहीं पता हैं, तो हमें उसका मीनिंग नहीं समझ में आता कि हम क्यों फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसकी वैल्यू पता नहीं होती है। और आप आगे आने वाले जनरेशन को तो कुछ भी कथाएं पता नहीं है। तो मैं एक छोटा सा ट्राई कर रही हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ और भी डिवोटीज़ के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने इंस्टा, व्हाट्सअप एंड FB ग्रुप में ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी तो पता चले इतनी अच्छी अच्छी हमारी पौराणिक कथाएँ हैं। तो चलिए मैं आपको कथा सुनाती हूँ। हमारे जो प्रभु राम जी हैं ना, इनके पूर्वज थे, जी हाँ, उनका नाम था राजा सगर। जो राजा सगर थे, वो उनके कोई संतान नहीं हो रही थी, उनकी दो पत्नियां थी, ठीक है। तो उनकी दोनों पत्नियों में किसी को भी संतान नहीं थी, वो बहुत परेशान हो गए। तो उन्होंने सोचा, क्यों ना मैं शंकर भगवान की तपस्या करूँ। तो उनकी वाइफ ने, दोनों पत्नियों ने मिल करके, और साथ में सगर जी ने तपस्या की। तो भोले बाबा ने, जी हाँ, हमारे भोले बाबा बहुत ही जल्दी अवरदानी है ना, खुश हो जाते हैं, वो खुश हो गए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आपकी पहली पत्नी से एक संतान होगी, और दूसरी पत्नी को 60,000 संतान होगी। बस राजा सगर की जो दोनों पत्नियां थी, गर्भवती हुई, उनके गर्भ से पहली जो रानी थी केसनी, उनके गर्भ से ना एक पुत्र उत्पन्न हुए, और दूसरी जो रानी थी सुमति, उनके गर्भ से 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। 7,000 पुत्र एक साथ में उत्पन्न नहीं हुए थे, वहाँ पे एक तुम्बा को उन्होंने डिलीवरी की, और तुम्बे को फिर बहुत सारा से संभाल के रखा गया, फिर उनसे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए।
वो अलग ही कथा है, मैं आपको फिर कभी सुनाऊंगी। तो जो असमंजस नाम के पुत्र थे ना राजा सगर के, वो पहले जन्म में, उनको अपना पहला जन्म याद था, पहले जन्म में बहुत बड़े योगी थे, पर ना वो कुसंग में पड़ गए थे। जब वो योगी थे उस जन्म में कुसंग में पड़ गए थे, उन्होंने अपना योगाभ्यास सब खत्म कर दिया था। और फिर उनको ये सारी बातें याद थी कि अरे मैंने पिछले जन्म में इतनी सारी गलतियाँ की थी, तो उनको हमेशा फील होता था। तो उन्होंने इस जन्म में क्या किया ना, राजा सगर के यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न तो हुए, और उन्होंने एक बात सोची कि मैं ऐसा बिहेवियर करूँगा कि सबको लगे मैं पागल हूँ, ताकि मेरे ऊपर कोई राज्यभार नहीं सौंपा जाए और मैं अपनी योग साधना करूँगा। ऐसा सोच करके वो पागलों की तरह रहते थे। हाँ, यहाँ तक कि वो क्या करते थे, खेलते हुए बच्चों को लेते और सरयू नदी में डाल देते थे, क्योंकि ये अयोध्या वासी है ना, तो सरयू नदी में डाल देते थे। इस प्रकार का वो जब काम करने लगे ना, तो उनके ऐसे हरकतें देख करके राजा सगर ने क्या किया, उनको बोल दिया आप मेरे राज्य से निकल जाओ, उनको अपने राज्य से निकाल दिया। जब असमंजस को राज्य से निकाल दिया गया ना, क्योंकि सब नगरवासी अयोध्यावासी सब तकलीफ में थे, सब कंप्लेन करने लगे थे कि असमंजस का स्वभाव अच्छा नहीं है, फिर असमंजस ने क्या किया, जब उनको नगर से निकाल दिया गया, तो अपने आत्म अपने योग बल से जिन बच्चों को उन्होंने सरयू नदी में डाल दिया, सबको अगेन जीवित कर दिया। ये देख करके ना अयोध्यावासियों को लगा अरे ये क्या हो गया, ये हमारे बच्चे मरे हुए से अगेन जिंदा हो गए। और राजा सगर को भी बड़ा सरप्राइज हुआ। तब सबको पता चला कि अरे नहीं, ये तो बहुत बड़े योगी हैं, ये सिर्फ पागल का एक्ट किया करते थे। और जो राजा सगर के बाकी 60,000 पुत्र थे, वो सबके सब काफ़ी तपस्वी थे। देखिए, सब भोलेनाथ की आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे, पर उनको इतना अपने योग बल, अपने बल का इतना सबको घमंड हुआ था। उन 7,000 पुत्रों को ना किसी को कुछ नहीं समझते थे, वो उनके पास इतनी पावर की थी, वो हवा में भी उड़ सकते थे हर समय, तो उनको हर बात का घमंड था, वो सबके साथ दुर्व्यवहार करते थे। अब राजा सगर ने ना क्या सोचा कि वो एक यज्ञ करेंगे, अश्वमेध यज्ञ करने का सोचा राजा सगर ने। तो जब अश्वमेध यज्ञ किया जाता है ना, तो उसमें एक घोड़ा रहता है जिसको छोड़ दिया जाता है कि वो पृथ्वी का भ्रमण करे। जब तक वो भ्रमण करता तब तक आपका यज्ञ करके आएगा, तो उसके बाद ही आपका यज्ञ पूरा होता है, ऐसा रूल था। अब जब राजा सगर ने यज्ञ शुरू किया, ये बात इंद्र को पता चली। आप लोगों को पता है इंद्र कौन है, सभी देवताओं के राजा हैं। उनको पता चला कि अरे इनका अश्वमेध यज्ञ पूरा हो गया, तब तो इनको इंद्र पद की पदवी मिल सकती है, ये स्वर्ग के देवता बन जाएंगे, तो फिर राजा बन जाएंगे, आई एम सॉरी। तो उन्होंने क्या किया ना, जो यज्ञ का घोड़ा था उसको चुरा लिया, चुरा करके ले गए। वो मुनि कपिल जी जो हैं, हमारे प्रभु के आप सभी को पता है अवतार हैं, तो मुनि कपिल के आश्रम में ले गया कि उन्होंने घोड़े को रात में बांध दिया। अब घोड़े गायब हो गया, तो राजा सगर ने क्या किया, अपने 60,000 पुत्रों को बोला कि जा करके तुम लोग घोड़ा ढूंढ के लाओ। वो घोड़ा ढूंढने गए, अब वो थे बड़े अभिमानी सारे के सारे। जब उन्होंने देखा ना कि कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है और कपिल मुनि वहाँ बैठ के ध्यान में बैठे हुए थे, उनको लगा उन सबको कि ये जरूर कोई चोर है और ये एक्टिंग कर रहा है साधु मुनि बन के बैठने का, आंखें बंद करके। वो उनको मारने के लिए दौड़े, तो तब तक कपिल मुनि ने अपनी आँखें खोली और उनकी कोधाग्नि से 60,000 पुत्र एक साथ में ही जल के मर गए। अब यहाँ पे जो थे जो उनके बेटे थे असमंजस, जो पागलों की तरह रहते थे, उनके भी एक पुत्र हुए उत्पन्न हुए थे, जिनका नाम था अंशुमान। जी हाँ, अंशुमान ने बोला अपने दादा सगर से कि दादाजी मैं जा करके पता करता हूँ कि सब मेरे चाचा कहाँ चले गए हैं, और मैं घोड़ा भी लेके आऊँगा। वो पता करने गए तो उनको रास्ते में ना वरुण देव मिले, उन्होंने सारी कहानी बताया कि देखिए आपके जो घोड़े थे यज्ञ के, उनको इंद्रदेव चुरा ले गए थे, ले जाके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिए, आपके भाई वहाँ गए, वो उनको मारने जा रहे थे कपिल मुनि को, कपिल मुनि की कोधाग्नि से सब जल गए हैं। तो जो अंशुमान थे बहुत समझदार थे, वो गए जाके उन्होंने सबसे पहले कपिल मुनि को प्रणाम किया, उनके साथ कुछ भी उद्दंडता नहीं की, प्रणाम किया। और अंशुमान जी ने ना बड़े प्रेम से कपिल मुनि की स्तुति की, तब कपिल मुनि खुश हो गए, उन्होंने बोला कि हाँ बताइए। तो अंशुमान जी ने बताया कि ये सब मेरे चाचाओं को मैं ढूंढ रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि मेरी कोधाग्नि से सब जल गए हैं, अब इनका उद्धार करने के लिए आपको गंगा जी को जमीन पर लाना पड़ेगा, गंगा जी के जल से ही ये सबको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तब उन्होंने सोचा ठीक है, अब मैं योग करूँगा, तपस्या करूँगा। तो अंशुमान जी ने बहुत बड़ी तपस्या की, बहुत सालों तक तपस्या की, परंतु उनकी डेथ हो गई और गंगा मैया जमीन पर नहीं आई। उसके बाद अंशुमान जी के बाद में उनके जो पुत्र थे दिलीप, राजा दिलीप, उन्होंने तपस्या की, उनके तपस्या करते करते भी उनकी आयु समाप्त हो गई, फिर भी गंगा मैया जमीन पर नहीं आई।
फिर दिलीप के जो पुत्र थे भागीरथी, उन्होंने तपस्या की। जब उन्होंने तपस्या की ना, तो ब्रह्मा जी ने उनको बोला कि देखिए मेरे कमंडलों से मैं गंगा जी को छोड़ दूंगा खुश होकर के, परंतु उनका वेग इतना तेज है कि धरती पर वो कैसे जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने उनका तो ब्रह्मा जी ने बोला कि एक काम करिए, आप भोले बाबा से प्रार्थना की। तो भागीरथी जी ने भोले बाबा से प्रार्थना की, तो भोले बाबा ने बोला मैं अपने शीश पे उनको ले लूँगा और फिर वहाँ से मैं उनको धारा के रूप में प्रवाहित करूँगा। अब फिर गंगा मैया प्रभु के शीश में गए भोले बाबा के सर के ऊपर, फिर वहाँ से उनको प्रवाहित हुई। फिर जब वहाँ से वो निकली ना, तो मैंने आपको भी पहले भी बताया था ऋषि जनु की स्टोरी, जहाँ पे उन्होंने उनको गंगा मैया को पी लिया था, फिर वो स्टोरी थी। उसके बाद में फिर कहीं जाकर के गंगा मैया पृथ्वी पर आई और राजा सगर के सभी पुत्र जो थे उनका उनको मोक्ष प्राप्त हुआ। अब फ्रेंड्स आप लोग सोचेंगे इतनी लंबी स्टोरी मैंने बताई, इसका क्या मीनिंग है? देखिए गंगा दशहरा जो हम सेलिब्रेट करते हैं ना, वो इसी दिन सेलिब्रेट करते हैं जब गंगा मैया धरती पर आई थी। जी हाँ, उनका अवतरण का मैंने आपको बता दिया, जब उनका नाम जाह्नवी रखा गया था। उसके बाद जब भागीरथी जी के प्रार्थना से गंगा मैया आई, तो उनका नाम भागीरथी रखा गया। अब ये गंगा दशहरा का पर्व है, इस साल 20 जून को है, परंतु हम लोग ना ऐसा बोला जाता है हमारे जो 10 पाप हम करते हैं, वो 10 पाप गंगा मैया में स्नान करने से, डुबकी लगाने से हमारे 10 पाप समाप्त हो जाते हैं गंगा दशहरा वाले दिन। अब वो 10 पाप कौन से हैं मैं आपको फिर कभी बता दूंगी, अगर आपको चाहिए तो मुझे मैसेज करें, मैं आपको बता दूंगी 10 पाप कौन से होते हैं। तो ये जो 10 दिन होते हैं जो आज से स्टार्ट हो रहा है, आज से हर दिन आपको स्नान करना है, तो आपके एक एक करके सारे पाप खत्म हो जाएंगे। जी हाँ, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, आप लोग आज से स्नान करें गंगा जी में। और अगर आप गंगा जी के किनारे रहते हैं तो देखिए शास्त्रों में ऐसा बताया गया ना कि गंगा जी में ना हमें जाके सूप लगा करके नहीं नहाना चाहिए, ना ही हमें अपने बॉडी को रगड़ रगड़ के नहाना चाहिए। बहुत सारी बार लोग जाते हैं गंगा जी में, अच्छे से हाथ पैर रगड़ रगड़ के नहाने लगते हैं, बहुत गलत बात है। गंगा जी में ना केवल हमें 3 डुबकी लगानी चाहिए, माता के मंत्र होते हैं, मंत्रों का जाप करते हुए। या मंत्र नहीं आते हैं तो हर हर गंगे बोलते हैं, केवल 3 डुबकी लगा करके फिर आपको बाहर निकल जाना चाहिए, फिर आप चाहे तो अब उससे आपका स्नान हो जाता है। ठीक है, इतनी बात आप याद रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में भी, और अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे किसी अच्छी ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे, जय हो गंगा मैया की।